जनाब आ गए आप लोग। यस सर। जनाब अच्छा, दूसरा जो सी है वो है कंसाइजनेस, कि जो बात करें टू द पॉइंट बात करें, रिपीटिशन। अब ये चाहे आपका अपना पेपर हो या गुफ्तगू के दरमियान अल्फाज को, जैसे कि बाद लोगों मैंने आपको टोका भी था, बताया भी था कि लोगों का तकिया कलाम होता है, आई मीन टू से मतलब बार बार गुफ्तगू करने, ये लोग इस तरह डेवलप कर लेते हैं। उसके ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं दोस्तों के दरमियान, किसी दोस्त से कहें या अपने खुद फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग कर लें और अपना सुने कि आप गुफ्तगू के दौरान कितने अल्फाज मतलब अननेसेसरी वर्ड जो यूज कर रहे हैं या स्लैंग्स जो यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कमी है आपके अंदर, तो फिर आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। और जब भी किसी से बात करो टू द पॉइंट बात करोगे, आप स्टूडेंट हैं, आपको मिसाल के तौर पर मैं समझा सकता हूँ कि अपने अगर आप टीचर के पास गए हैं उससे जाके सीधी सीधी पर टू द पॉइंट बात करेंगे, जी मुझे ये सवाल है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे जरा इसके अंदर आप गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे तो लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे भी, और ये नहीं होगा कि ये लंबी कहानियां करता है ये करता है, तो उन चीजों से आप बच जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात ये कि जो बात आप जो दें ना उसको आप फैक्ट्स एंड फिगर से सपोर्ट करें। कोई भी इशू हो, कोई भी हो, किसी भी मैसेज पे जो आप दे रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, अपनी राय किसी भी इशू पे दे रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी अपने दोस्त सेनेटर की, कि उसको मैंने फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है कि किसी भी बजट का एजुकेशन के ऊपर 4% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। ये 4% ऑफ बजट आप एजुकेशन को एलोकेट करें, अगर उससे कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि सही नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। WHO का स्टैंडर्ड है या वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड है कि एजुकेशन के क्या है, इस तरीके से हेल्थ का एक स्टैंडर्ड है कि बजट का 5% जो है हेल्थ पे लगना चाहिए। इसी तरीके से आपका एक स्टैंडर्ड है कि आपके मुल्क की 40% औरतें जो हैं वो एनिमिक हैं, यानी वो बच्चियां जो जिन्होंने कल को माएं बनना है, तो जो खुद ही जिसमें खून की कमी हो, जो नस्ल पैदा करेगी वो किस तरह की होगी। यू नो दीज आर दी फैक्ट्स एंड फिगर, जब आप बोलेंगे ना कोई आदमी इनको डिनाई नहीं कर सकता। आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से आपने फिगर्स उठाई हैं। रेफरेंस दुनिया का ये है, हम यहाँ खड़े हैं तो हमें इसको गैप को बढ़ाने की मतलब कम करने की जरूरत है, बजाय बढ़ाने के ना, हम जितना ज्यादा करेंगे उतना होगा। ठीक है ना, आपका मैसेज जो है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कि आप जब फैक्ट्स एंड फिगर से बात करेंगे ना तो लोग आपकी बात को पे भरोसा करेंगे कि ये जो बात कर रहा है ना इसके अंदर कोई बोंगी नहीं मार रहा। पंजाबी में कहते हैं ना बोंगी मार दी, कोई भी आपने ऐसी बात कह दी कि जिसका ना सर है ना पैर है, और आपने बस कह दी कह दी, अगले ने सुन ली और वो। ठीक है, एक हमारे बहुत बड़े राइटर हैं बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो उन्होंने अपनी किताब में एक जुमला लिखा है कि अगर कोई शख्स ये सोच के बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी अगर मैं आपसे ये अज्यूम करके बोलूँ जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो झूठ है, और आप ये सुन के ये समझ के सोच के उस बात को सुने ये अगला जो झूठ बोल रहा है, तो दोनों को गुनाह नहीं लगता। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ यही होता है कि हमें पता भी होता है अगला झूठ बोल रहा है और हम सुन भी रहे होते हैं उस बात को कि हाँ जी अच्छा ठीक है जो ये कह रहा है बस ठीक है सुन लो। बाज़ औक़ात हम उस शख्स से खौफजदा होते हैं, बाज़ औक़ात आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये बात हो जाती है। लेकिन आपका मैसेज जो है ना, जो आप बात करें ना उस पर लोग भरोसा करें, अगर लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया तो बस फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, अच्छा इसी तरीके से कि आप जब क्लियर बात करेंगे, जो पिछले वाले सीक्वेंस बात की है ना हमने कंसाइजनेस करेक्टनेस की, तो उसके आपका मैसेज कभी मिस इंटरप्रेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपने कहा कुछ और दूसरा उसको मतलब दे दे। और अगर वो सुनने वाला भी है, अगर अच्छा लिसनर होगा, तो वो आपकी बात को पूछेगा कि आपने यही बात कही है ना, तो आप क्लैरिफाई कर देंगे, तो फिर मिस इंटरप्रेट होने का चीज के इम्कान खत्म हो जाते हैं। करेक्टनेस, ठीक है, यही कि जो भी आप बात कर रहे हैं सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर टाइमिंग उसके सही होनी चाहिए। आप लिखने से पहले अगर आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी करेक्टनेस आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, आपका जो है ये सही बात करने से, सही चीज लिखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी सीवी की, अक्सर ये होता है कि एक साहब ने लिख दिया कि जी मैं
क्रिकेट खेलता हूँ सीधी जल्द। अच्छा, वो जो इंटरव्यूअर था उसने उससे सवाल किया कि जो रिसेंटली जो कि जी ये सीरीज जो फलाने फलाने इसको आपने फॉलो किया था? हाँ जी किया था। तो क्या था? पता चला कि उन्होंने देखी नहीं थी सीरीज और लिख दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब लास्ट बुक लिख दिया कि बुक रीडिंग का शौक है। अगर किसी ने सवाल कर लिया भाई आखिरी बुक कौन सी रीड की थी, तो आपको ये नहीं पता कि आपने आखिरी बुक वहां पे आप फिर दाएं बाएं शाएं इधर उधर घूम रहे हैं, ओंगी बोंगी मार रहे हैं ना। तो वो बात कहें जो आपको पता हो, जो आपको आता हो, जो आपको करना आता हो बता दें कि जी आखिरी किताब मैंने ये पढ़ी थी, ये था। अच्छा पूछ लिया उसने, अगर उसने भी वो किताब पढ़ी है मुझे क्या है उसके अंदर, तो आप बता सकेंगे हाँ भी इस किताब के अंदर ये, इस किताब से मैंने ये सबक सीखा। चौथा है कर्टिसी। देखें कर्टिसी से आप एक पैसा आपका खर्च नहीं होता, लेकिन यू गेन सो मच इससे फायदा जो आपको होता है ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई बुजुर्ग आपके घर आया, जैसे कि तस्वीर के दिखाया, अगर आप दरवाजा खोलने के बाद आपकी नानी है कि दादी है सलाम करके प्यार करवाए उनके आगे सर झुक के और हाथ पकड़ के अगर उनको आप लेके आ जाएंगे ना, she will never ever forget। या किसी बुजुर्ग के साथ अगर आप देखें उसको, तो अगर आप उसको कोई हेल्प कर देंगे, मुस्कुरा के बात कर लेंगे, ये कर्टिसी जो है ना, एक मुस्कुराहट जो होती है ना हजार दिलों को जीत सकती है, लेकिन एक माथे पे बल पड़े हुए बल जो है ना 10,000 लोगों को दूर भगाते हैं आपसे। तो ये हमेशा मुस्कुरा के बात करना, शुक्रिया अदा करना। मैं यही बात कहता हूँ ना, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैंने जब मैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया था 25-26 साल की मेरी उम्र थी, यहाँ इस माशरे में जहाँ इतना इस्लाम का जिक्र होता है, इतने हज की उम्रे की ज़ियारतों की बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम बातें जरूर करते हैं कि हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। मैं जब गया तो एक दिन कॉफी हमारे यूनिवर्सिटी कॉफी शॉप में मैं लाइन में खड़ा हुआ कॉफी ले रहा था, मेरे पीछे एक प्रोफेसर खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या लेंगे? उसने कहा कॉफी। तो मैंने उसको लड़की को कहा जो दे रही थी कि दो कॉफी दे दो, तो कॉफी लेके मैंने एक उसको दिए और उसने जितने भी पैसे बनते थे 10 पैसे 12 पैसे उसने मुझे दिए, मैंने लेके जेब में रख लिए। हम दोनों जाके टेबल पे बैठ गए। उसने रास्ते में टेबल तक पहुंचते पहुंचते 3 दफा मुझे थैंक यू कहा। मैंने उससे कहा, रॉबर्ट नाम था जब बेतकली हुए, हम बॉब बॉब कहते थे। मैंने कहा बॉब व्हाई आर यू थैंकिंग मी फॉर दैट, आई वाज जस्ट बाइंग अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक तुम्हारे लिए भी खरीदी है। तो उसने एक सबक दिया मुझे जिंदगी। उसने कहा यार एक बात सुनो, जो इंसान इंसान का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का कैसे शुक्रिया कैसे अदा करेगा। ये एक ईसाई ने मुझे सबक दिया। मुसलमानों के मुल्क में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, जवान हुआ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दोस्तों के साथ रहा, यहाँ पे ये सबक आपको देने वाला मुझे तो कोई नहीं मिला इतनी उम्र के अंदर। उस आदमी ने मुझे ये सिखाया कि ग्रेटिट्यूड की अहमियत क्या होती है, कि जो इंसान इंसान का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कहाँ से अदा करेगा। पहले इंसानों का शुक्रिया अदा करना सीखो। अल्लाह ताला ने कितनी दफा कलाम पाक में कहा है, वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के एहसान को मानो, एहसन सुलूक करो वालिदैन के साथ। क्यों कहता है बार बार कि अगर आप आपके वालिद ने आपको फल ला के दिए और अगर आपने कहा अब्बा बहुत शुक्रिया आप फल लेके आए, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनको जो फीलिंग होगी ना वो कुछ और ही होगी फीलिंग। और हम ले जो मसला है ना हमारा पाकिस्तानी कौम का और मुसलमानों का, बेसिक मसला ये है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये अब्बा इसका काम है फल लेके आना, ये अम्मा इसका काम है खाना पकाना, ये अम्मा इसका काम है गर्मी के अंदर चूल्हे पे खड़े होकर हमें गर्म रोटी डाल के देना। We take it for granted। कभी हमारे ज़बान पे शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं होता कि जी आप 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर किचन में टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर रहे हैं, आप खड़े होकर मैं रोटियां बना के दे रही हैं, अम्मा बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप एक दफा कह के तो देखें ना थोड़ा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। वो जो इंसानों का शुक्र अदा करना सीख लेता है वो अल्लाह ताला तक भी पहुंच जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना भी सीख लेता है। ठीक है। अच्छा जी, आपका जो एटीट्यूड होता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो वाइब्स देती है। वाइब्स या तो पॉजिटिव होते हैं, वाइब्स या नेगेटिव होते हैं।
वो आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपके रवैये से, आपके खड़े होने से, आपके बात करने से, हर चीज से वो जाहिर हो रहा होता है। जितना आपका कंसिडरेट रवैया होगा, जितना आप दूसरे के साथ बेहतर सलूक करेंगे ना, उतना ही आप पॉजिटिव देंगे और दूसरा फिर आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा। जो लोग बुली करने के आदी होते हैं, जो दूसरे का मजाक उड़ाने के आदी होते हैं, जो मौका ढूंढते हैं कि किसी ने जुमले कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मिनट भाई, सॉरी भाई, ये आज ऐसा कुछ दिन हो रहा है कि इतने फोन आ रहे हैं, बस नॉर्मली में ठीक है। तो भाई एटीट्यूड जो होता है, जो मैं बार बार कहता हूं ना कि एप्टीट्यूड आपका जो है, आप आइंस्टाइन क्यों ना हो जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नहीं है ना, तो यू विल बी अ फेलियर इन लाइफ। 90% आपकी जिंदगी जो होती है ना, मैं करियर की बात नहीं कर रहा, आपकी जिंदगी आपके एटीट्यूड पे चलती है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, लोग आपको उसी तरह से देखेंगे, आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। लेकिन अगर आपने ये, चाहे आप माने ना माने, आपने इर्द गिर्द दोस्तों को छोड़िए, आपने खानदान पे नजर डाल लीजिए, आपका कोई चचा, कोई मामू, कोई फुप्पा ऐसा होगा कि जिसके मुताबिक पूरा खानदान ये कहता होगा कि क्या अहमक हमारे घर में पैदा हो गया है। जब भी वो बात करेगा, कोई नेगेटिव बात करेगा, कोई भी बात होगी ना, तो उसी तरीके से उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका कोई चाचा, मामू, पुप्पा, खालू कोई ऐसा है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, आपको गाइड करता है, आपसे हंस के बात करता है, आपकी बात सुनता है, इसका ख्याल किए बगैर कि आप उससे उम्र में कितने कम हैं, तो यू विल ऑलवेज लिसन टू हिम और उसकी बात को आप गौर से सुनेंगे और वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो खानदान में पॉपुलैरिटी कंपेन कोई चल रही होती है, लेकिन किसी का रवैया ऐसा होता है कि आपका दिल चाहता है कि ये आपका चाचा जो है ना, इसके साथ आप बैठे या इसकी बात सुने, इसकी करें, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। ठीक है, तो कंसिडरेट होना बहुत जरूरी है दूसरों के मुताबिक। किसी की तकलीफ को दिल से सुन लेना ही उसका मसला 90% हल कर देता है। एक पाकिस्तानी सिंगर है अबरार अहमद, एक दफा मैं दाई की दुकान पे बैठा हुआ था, टीवी पे उसका इंटरव्यू आ रहा था, तो कभी कभी वो कहते हैं ना कि कॉल है ना, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही है,
वो इंटरव्यू में कह रहा था बात कहीं से कहीं आप में से शायद कुछ लोग इस बात का गलत मतलब ना ले रहे, बात उससे सवाल किया गया कि ये जो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर लोग मुख्तलिफ दरगाहों पे मजारों पे जाते हैं ये सही है या गलत है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता है कि सही है गलत है, लेकिन अगर एक आदमी को वहां जाके सुकून मिल रहा है, उसका कैथारसिस हो रहा है, कहते मैं अभी न्यूयॉर्क गया हुआ था अपना कोई शो करने के लिए, तो मैंने देखा वहां पे जहां मैं ठहरा हुआ था वहां पे साइकियाट्रिस्ट के जो क्लिनिक थे ना वो इतने ज्यादा थे कि मैं परेशान हो गया। मैंने अपने जहां ठहरा हुआ था उन लोगों से पूछा कि भाई ये इतने छोटे से इलाके में ये 15-20 साइकियाट्रिस्ट क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोगों के साथ नफसियाती मसाइल हैं और ये $100 ये $150 फीस लेते हैं एक घंटा उनकी बात सुनने के। वो अबरार अहमद कहने लगा टीवी के ऊपर, कहने लगा देखें एक आदमी है वो परेशान है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो क्या करता है थोड़े से फूल लेता है, थोड़े से वो मिठाई लेता है और वो जाता है किसी दरगाह के ऊपर मजार के ऊपर वहां फूल चढ़ाता है और जो भी उसके दिल में बात होती है गुफ्तगू तो अल्लाह से कर रहा होता है, जो बात कहके जो उसकी कोई सुन नहीं रहा होता है वो जाके मजार पे जाके अगर वो कह देता है और उसका कैथारसिस हो जाता है। कैथारसिस समझते हैं ना आप, क्यों भाई मुझे कोई समझाओ तुम में से कोई, कैथारसिस का क्या मतलब है, किसके कहते हैं कैथारसिस? वो खुदा के बंदो तुम सब 20 साल से ऊपर के हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये लफ्ज क्या है कैथारसिस। क्यों भाई पता है किसी को या नहीं? आपके दिल पे जो बोझ है उसको उतार देना, उसको किसी को बता देना, मिसाल के तौर पे आपके साथ किसी ने ज्यादती कर दी, आप उससे रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप सोचे चले जा रहे हैं और आप डिप्रेशन में चले गए। अगर लेकिन यही बात आप किसी दोस्त को भाई को किसी को बता देंगे कि देखो जी मेरे साथ उसने ज्यादती की है, वो भी शायद उस बंदे से जाके बदला ना ले सके, कुछ ना कर सके, लेकिन अगर जब आप उसको ये बात बताते हैं तो आपके दिल में से वो बोझ उतर जाता है। ये इस बोझ के उतारने के नाम को हम कहते हैं कैथारसिस, नफ्सियात की इस्तेमाल में, कि आपके दिमाग में जो उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं किसी शख्स के मुताबिक किसी रवैये के मुताबिक, आपने उनको किसी को बता के अपना बोझ हल्का कर लिया। तो ये जो अबरार ने जो मिसाल दी थी मेरे अकल में आई ये बात कि पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता, तो अगर कोई आदमी वहां जाके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जाके अपने दिल की बात कह के आ जाता है कि नहीं मेरा ये मसला है, बीवी बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, ये नहीं है, अल्लाह मेरी मदद कर, तो ये हर एक से तो वो ये बात नहीं कह सकता ना, लेकिन वहां कहने के बाद उसका बोझ काफी हद तक हल्का हो जाता है। तो आपको जिंदगी में दूसरों के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि लोग आके अपने मसले आपसे कह सकें, दे फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, और ये मतलब आप उसके लिए एक आउटलेट बन जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप उस बात को किसी और से शेयर ना करें। अगर आपने दूसरों को बतानी शुरू कर दी दोबारा कोई आदमी आके आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, ये कोट है जनाब, जो कम्युनिकेशन पे काम करता है ना कम्युनिकेशन उसी के लिए काम करती है। अगर आप अपने अंदर ये खूबियां नहीं लाएंगे, आप देखें गुफ्तगू का फन में आपको मिसाल भी दी थी, किताब का नाम भी बताया था कि हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, वो क्या कहता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। $1,000 के सूट पहन लो, $500 का चश्मा लगा लो, $3,000 की घड़ी पहन लो, कुछ मैटर नहीं करता। जब मुंह से अल्फाज निकलते हैं ना वो मैटर करते हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपके मुंह से गलाजत निकल रही है या आपके मुंह से अच्छी बातें निकल रही है। और अच्छी बातें निकालने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप याद रखिए किसी का एक कोट है कि बुक्स आर द की टू ओपन क्लोज माइंड। जो क्लोज माइंड के लोग होते हैं ना, जो जिंदगी में बड़े कट्टर राय होती है उनकी, उनके दिमाग खोलने के लिए सिर्फ किताब ही वाहिद चाबी है जो दिमाग खोलती है आपका। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आप गुफ्तगू करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीच की, बोलने की, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है आप कुछ ना करें, चार दोस्तों को जमा करके कहेंगे भाई जरा बैठ जाओ मैं प्रेजेंटेशन, एक डमी रन आप कर लेंगे ना, आप यकीन करें आपकी प्रेजेंटेशन
जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप जो गलतियां करेंगे कोई आपको पॉइंट आउट कर देगा कि इसके अंदर ये गलतियां, आप उन गलतियों को बेहतर कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में। अच्छा भाई, ये तो मैंने खत्म कर दी है प्रेजेंटेशन, अब आखिरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, एनीवे मैंने पिछली एक दो क्लासों में आपके साथ कुछ बातें कही और तलख बातें कही, बजाय इसके कि झूठ बोलने के आदमी सच्ची बात करते, मैंने आपसे वो बातें कही कि मिड टर्म के बाद जो मुझे मैसेजेस मिले हैं और जो मैंने आपका ऑनलाइन होने के बाद जो एटीट्यूड देखा है क्लासेस में और इसमें, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रेंकली। ठीक है सबीन बेटा, आपने अटेंडेंस पूरी ली हुई है ना तमाम क्लासेस की? सबीन सबीन यस सर, ले ली है सब सब क्लास की है एक्सेल शीट ये जारी मुझे है, आप एक्सेल में बना के ना आप मुझे मेल कर दीजिएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट के साथ मुझे अटेंडेंस शीट भी जमा करानी होगी ना, आपके सीएमएस पे जाएंगी ये। ठीक है ये मुझे भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप जो लोग मौजूद हैं, अगर आपका फाइनल के हवाले से कोई सवाल है, आई एम अवेलेबल, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं मैं जवाब देने के लिए। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ, 7 सवाल हैं, टोटल मार्क्स 50 हैं, 4 घंटे का टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। नहीं है कोई सवाल आपका? चले जी, ऑल द बेस्ट 29th को मैं अवेलेबल होऊंगा। आपने सर सवाल नहीं है लेकिन कुछ कहना है, ये बताइए सर। मुझे ये कहना है कि आपके साथ ये कोर्स पढ़ के बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया इसको पर्सनली मेरा। अच्छा थैंक यू वेरी मच जनाब, लेकिन आप लोगों ने अगलों का रास्ता बंद कर दिया, अब मैं किसी और को मैं अहद कर चुका हूँ कि अंडर ग्रेजुएट को। मुझे बहुत मजा आया था शुरू की 5-6 क्लासेस के अंदर, आई आपके साथ कुछ कंट्रीब्यूट नीचे। देखें मुझे जो पहले 5-6 क्लासेस जो फिजिकल हुई ना, मुझे क्यों मजा, मुझे कोई खुशी तो नहीं है ना कि गर्मी के अंदर यहाँ से निकलूं 50 किलोमीटर अपने पेट्रोल खर्च करके। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था कि मुझे ये पढ़ाने के आपको यूनिवर्सिटी कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं दे रही, पास टीचर ऐसे होते ना कि पैसे के लिए कर रहे होते हैं, मैंने सिर्फ अपने शौक में लिया था कि भाई ये एक चीज है, ये बच्चे हैं मेरे, बच्चों की तरह मेरे बच्चे उम्र में आपसे बड़े हैं। ठीक है ना, मैं तो ये चाहता था कि जो बातें मैं उनसे करता हूँ वो आपसे शेयर करूँ, और पहले 5-6 क्लासों में मुझे बहुत मजा आया था कि मैं ये देख रहा था कि आपके अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ चेंज आ रही है, कि जो पहली क्लास में आप लोग थे 5वीं 6ठी क्लास तक, मैं ये देखता था कि पहले किसी से मैं सवाल पूछता था लोग घबराते थे, 3री-4थी क्लास से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं डिबेट के लिए आवाज दे रहा हूँ तो लोग हाथ उठा के कह रहे थे कि हम आके डिबेट करेंगे, चाहे मैंने उसको नाम लिया नहीं लिया। तो देट वॉज वेरी एनकरेजिंग फॉर मी कि भाई चलो ये बच्चे जो है इनके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिंदगी इसी का नाम है, ये जो आप समझ रहे हो ना कि तालीम के 4 साल ये मजाक है, मजाक नहीं है, ये आपकी तरबियत हो रही है अगले अगले 40 साल जो आपने अपना बिजनेस करना है या अपना नौकरी करनी है, ये जो कारोबार करना है, जो भी करना है आपने, कल को आपने माँ बनना है, कल को आपने बाप बनना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होंगे, ना आप अपनी बीवी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना आप अपने ससुराल वालों से कर सकते हैं, ना अपने बहन भाइयों से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि भाई जिस घर के अंदर एक वक्त तमाम घर वाले साथ बैठ के खाना नहीं खाते वो घर नहीं है, मकान है। मकान और घर में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये कभी समझिएगा। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं इफ्तिखार आरिफ, उनका एक शेर है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मकान जो है ना दीवारों का, छत का, फर्नीचर का नाम है, घर वो है जहाँ पे रहने वालों के दरमियान एक बॉन्ड हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। जिस घर के अंदर घर का बच्चा अपनी प्रॉब्लम बाहर वाले से शेयर करे, माँ बाप से ना कर सके, वो घर नहीं है। मैं तो ये इसलिए खुश था आपके अंदर, लेकिन जब ये आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, खासतौर पे जो आपके जाली सीआर थे, वो नाम भूल गया उनका, क्या नाम था उसका यार, सीआर कभी जिसको सीआर बनाया था ना, मेरा नंबर था मेरे पास, नाम ही याद नहीं आ रहा उसका,
वो तो क्लासों से गायब हो गया, आता ही नहीं सर, था। अहमर को बनाया अहमर, था अहमर, अहमर, अहमर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि जी रमजान के अंदर सर बड़ा मसला होगा रोजे के अंदर, तो आप कर लें। तो मैंने रमजान में चलो कुछ ठीक है, चलो भाई मुझे भी प्रॉब्लम होगी कि रोजे के अंदर 2 घंटे बोलना आसान काम नहीं होता, वो भी जब सफर करके इतना लंबा आदमी जाए। उसके बाद ऑनलाइन के अंदर जिस तरीके से आप लोग अटेंडेंस कम होती चलेगी, दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। इससे अंदाजा हुआ कि लोगों ने इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे कि ये कम्युनिकेशन की अहमियत है क्या। अभी कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमारे मास्टर्स प्रोग्राम मैकेनिकल में शुरू करने के लिए एक मीटिंग हो रही थी, उसमें 15 प्रोफेसर मौजूद थे आपके हमदर्द के और 2 बाहर के थे, 17 आदमी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। जूम पे मीटिंग हो रही थी, किसी की आवाज आ रही किसी की नहीं आ रही, उसमें एक चीज के ऊपर झगड़ा हो गया कि HEC ने 40 सब्जेक्ट जो दिए हैं मैकेनिकल के अंदर, उसमें उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं दिया। तो मैंने ये कहा कि जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को आप कोर कोर्स बनाते हैं, अगर आपने मास्टर्स कराना है मैकेनिकल, तो सब हर आदमी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जनाब HEC की लिस्ट में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अगर डालेंगे तो HEC को इतराज होगा। तो मैंने उनको एक बात कही कि मुझे नहीं पता आप किस फील्ड के हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, आप उसको मास्टर्स में भी अगर आप फाइनाइट एनालिसिस पढ़ाएंगे या एडवांस वाइब्रेशन पढ़ाएंगे, वो जिंदगी में उसके इतना काम नहीं आएगी जहां वो काम कर रहा होगा। उसके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आज दुनिया में जो काम हो रहा है वो क्वालिटी के ऊपर हो रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर हो रहा है। कि ISO 9000 तो ऑब्सोलीट हो चुका है, अब तो बात हो रही है 6 सिग्मा की उसकी। तो आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आपकी एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। आप जब मार्केट के अंदर, ये वही बात है ना कि लक्स साबुन जो है यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है, अगर लक्स साबुन से कोई कंप्लेंट आनी शुरू होगी तो पूरी यूनिलीवर इफेक्ट होगी ना। तो मैंने उनको ये समझाया कि आप अपने मैकेनिकल इंजीनियर्स को जिसको आप मास्टर कराएं उसको दुनिया की मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ा दें, लेकिन अगर उसको क्वालिटी मैनेजमेंट आपने नहीं पढ़ाई और इसको उसके लिए मैंडेटरी कोर्स नहीं किया, उसकी मार्केट में जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ना वो नहीं होगी जो कि उस बंदे की होगी जो कि, मैंने कहा जब दूसरी यूनिवर्सिटीज इसको कोर कोर्स के तौर पे पढ़ा रही है तो HEC सिर्फ आप ही पे एतराज करेगी। मतलब इतने क्लोज माइंड के साथ हम बैठते हैं लकीर के फकीर होके कि जो लिख दिया है उससे इधर उधर दाएं बाएं मत सोचो, ये मत देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है, आगे क्या होना है। वैल्यू एडिशन जो है ना वो देखिए, वो ये बड़ी मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ, इसको जरा याद रखिएगा इस बात को। आप में से जो लोग इंडियन फिल्में देखते हैं, आपने AR रहमान का नाम सुना होगा ना, पहले वो हिंदू थे, अल्लाह ने हिदायत दी, उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है म्यूजिक के, मतलब एक फिल्म बनी थी इस्लाम बॉम्बे, उसके अंदर उसको ऑस्कर अवार्ड मिला म्यूजिक। इंडिया में म्यूजिक मजहब का एक हिस्सा है, हिंदू मजहब का हिस्सा, म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों के अंदर जो है बड़े नाम करते हैं पैसे। आपको पता है कि आम म्यूजिक डायरेक्टर एक फिल्म की अगर म्यूजिक देता है ना उसको कितने पैसे मिलते हैं? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलते। AR रहमान को 10 करोड़ रुपए भी देते हैं ना, वो कहता है पहले फिल्म बताओ कि फिल्म क्या है, मैं फिल्म देखूंगा ये मैं, यानी वो चूज करता है कि किस फिल्म की वो म्यूजिक दे, और पैसे भी उसके वही होते हैं। क्यों भाई? म्यूजिक तो कोई भी दे सकता है ना, इंडिया में सैकड़ों पड़े हुए म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे नाम भी याद नहीं है उनके, विशाल है, अनु मलिक, फलाना फलाना, इतने लोग हैं वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर, पुराने भी नए भी मौजूद हैं। क्या वजह है कि AR रहमान को 10 करोड़ भी दे रहे होते हैं और वो कहता है कि फिल्म मुझे बताओ, फिल्म की स्टोरी पढ़ूंगा, देखूंगा कि मुझे इसकी देनी देनी? क्यों? उसने अपने अंदर एक वैल्यू एडिशन की है, उसने अपनी वैल्यू वहां पहुंचा दी है वैल्यू एडिशन करके कि जहां लोग उसके पीछे आ रहे हैं। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके प्रोफेसर हजरात को जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कि खुदा के वास्ते जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो मार्केट के अंदर वो जाके हमदर्द का नाम खराब ना करे, ऐसी प्रोडक्ट निकालो कि लोग कहें कि हमदर्द के ग्रेजुएट को हमने हायर करना। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना आपकी मैनेजमेंट को समझा पाया मैं, ना आप लोगों को समझाया पाया। तो ये मेरे लिए एक बहरहाल एक तकलीफ दे बात है, और ये रिग्रेट कह लें आप इसको मेरी, कि पहली 5-6 क्लासेस से जो मेरी एक हाई होप्स हुई थी आप लोगों के मुताले, बाय द टाइम आई एम क्लोजिंग दिस कोर्स आई एम क्लोजिंग इट विद वेरी हैवी हार्ट फ्रेंकली।
कि जो मैं आप में तब्दीली चाहता था वो नहीं ला सका। अब आप देख लीजिए ना कि जिन साहब को मैंने मॉनिटर बनाया वही क्लासों से गायब होना शुरू हो गए, तो इसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है ना। ठीक है जी, मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे आने वाली जिंदगी में भी। जी जनाब। सर मैं पूछा था कि वो आप फाइनल का अल्केमिस्ट और सेवन हैबिट से दोनों से पेपर देंगे? देखिए अल्केमिस्ट का तो मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने आपसे सेवन हैबिट्स के पहले चैप्टर के लिए कहा था, और एक दफा नहीं कहा, पहली क्लास से कह रहा हूँ बार बार के पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कहा था या नहीं कहा था आपको? नहीं सर, पिछली क्लास में भी कहा था। अल्केमिस्ट से मैंने कोई सवाल नहीं दिया, चले आपके लिए आसानी कर रहा हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम अल्केमिस्ट। लेकिन मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छुट्टियां मिले उसमें इस किताब को जरूर पढ़ लें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, और कोई सवाल? चले खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।